हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोलकाता पार्क स्ट्रीट की नाइट लाइफ, वहां पे क्या क्या सारा सीन बनता है, पूरी मार्केट दिखाऊंगा, अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एंड इग्नोर द मेस बिहाइंड मी, ये मेरा रूम है, मैं होटल में था तो ये मतलब मैं यूज कर चुका हूँ तो गंदा हो रखा है, इग्नोर दैट। बट कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, मैं अभी निकलने वाला हूँ, अभी बज रहे हैं कुछ लगभग शाम के 7 और नाइट लाइफ बस शुरू होने वाली है। तो मैं जा रहा हूँ पार्क स्ट्रीट की और वहाँ की सारी लाइफ देखते हैं, वहाँ की सारी मार्केट आपको दिखाता हूँ और क्या क्या फेमस चीज़ें हैं यहाँ पे और रात को कोलकाता कैसा दिखता है, आज की वीडियो में आप वो देखने वाले हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। आप मेक श्योर इस वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें साहिल दत्त ब्लॉग्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो चलो अब चलते हैं। तो होके गाड़ी में सवार चल पड़े थे यार पार्क स्ट्रीट की ओर, और ये वहाँ का फेमस होटल पार्क, जिसके नाम पे पूरी स्ट्रीट है। गाइस, इसी होटल में बहुत सारे क्लब्स हैं, रॉक्सी हो गया और एक क्लब और है पता नहीं कौन सा, तो अगर उनमें जाना तो इस होटल में जा सकते हो। बाकी ये पूरी स्ट्रीट पे ये फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स और पब्स ही हैं, पूरी रोड पे आपको यही सारा एंटरटेनमेंट का ही मालदाम मिलेगा। सभी लोग अपनी वेट कर रहे हैं अपनी अपनी बारी की, और कुछ ऐसी वाइब है पार्क स्ट्रीट। और गाइस, इस पार्क स्ट्रीट की बढ़िया बात यह है कि ये ऑलमोस्ट पूरी रात चलती रहती है, स्पेशली ऑन वीकेंड। और गाइस, यहाँ पे जो ये येलो टैक्सीज चलती हैं, इनका कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया। अगर नॉर्मल ऊबर लोगे तो एक जगह से दूसरी जगह मान लो वो 100 bucks ले रही है, तो तेल गोना चार्ज यू 300, 400, even 500, तो इतना डिफरेंस क्यों है मुझे तो पता नहीं। अगर किसी कोलकाता वाले लोकल को पता तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। बाकी ये है वहाँ के फेमस कुसुम रोल्स, जो भी आता है कुसुम रोल्स खा के ही जाता है, लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली ये नहीं लिया क्योंकि मैंने देख लिया था कि सेम ही पैन पे वो एग रोल बना रहे हैं, चिकन रोल बना रहे हैं और उसी पे वेज रोल बना रहे थे, तो हमने नहीं लिया। और गाइस, ये पूरी मार्केट है बुक्स की, यहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स मतलब काफ़ी चीप रेट में मिल जाएंगी। वैसे बुक्स कभी चीप नहीं होती, बट एनी हाउ मतलब कॉस्ट इफेक्टिव अगर बुक्स चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हो, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो बंगाली अटायर में कुछ खूबसूरत लड़कियाँ आपको हो सकता है दिख जाएँ, मतलब यू नेवर नो। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो गाइस यहाँ पे एक शहर की एक बहुत ही अजीब बात बताता हूँ। यहाँ पे छोटी से छोटी गाड़ी, ऑल्टो स्विफ्ट, मतलब छोटी गाड़ियाँ बहुत हैं, और बड़ी से बड़ी रोल्स रॉयस आपको दिख जाएगी, है ना, पोर्श दिख जाएगी, लेकिन जो गाड़ी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी आम वो है फॉर्चूनर। और थार तो भाई मैंने एक भी नहीं देखी, फॉर्चूनर तो फिर 100 में से 1000 में से एक दिख जाएगी, लेकिन थार मानोगे मैंने पूरे ट्रिप में मैं 2 बारी होया हूँ, एक बार भी थार नहीं दिखी। और भाई, इस स्ट्रीट की खास बात यह है कि यहाँ पे खाने पीने की आपको बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है। आप नाम लो, हर तरह का ब्रांड, हर तरह का क्विजीन यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे बहुत कुछ है। और इसी की मार्केट घूमते घूमते मैं पहुँच गया थोड़ा सा इससे दूर, कैमैक स्ट्रीट, आई होप आई प्रोनाउंस इट राइट। चलो एनी हाउ, भाई यहाँ पे खाने पीने का भी बिल्कुल बढ़िया सा इंतज़ाम था, आपको रोड साइड स्ट्रीट फूड भर भर के मिल जाएगा इस रोड पे। और यहाँ पे मैंने जाना था अपने क्लब में जिसका नाम था 1 Bottle Down। भाई ऑसम जगह थी विद ऑसम वाइब, और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये थी कि इसकी एंट्री फीस कोई नहीं, जैसे हमारे चंडीगढ़ में होता ना मिनिमम फीस यू हैव टू पे इफ़ यू आर अ स्टैग और अ कपल, पर यहाँ पे कुछ नहीं था ऐसा, यू जस्ट कम हैव अ ड्रिंक, एंजॉय योर ड्रिंक, एज लॉन्ग एज यू हैव ड्रिंक इन योर हैंड यू कैन स्टे इनसाइड। और हमने तो ले ली अपनी जिंजर एल क्योंकि अल्कोहल तो हम नहीं पीते, बाकी भाई हुक्का भी अवेलेबल था, बट हमने मंगवाया पिज्ज़ा। बट भाई सच बताऊँ तो पिज़्ज़ा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, जो बना चंडीगढ़ वाला क्लब्स में पिज़्ज़ा मिलता वो मच बेटर होता है। बट एनी हाउ, दिस गाय वॉज द ओनर ऑफ दिस प्लेस एंड सुपर कूल आदमी भाई, सुपर चिल, बाद में हमारी मित्रता भी हो गई। बाकी जैसे जैसे डीजे बड़ा, माहौल जमता गया, लोग आते गए, तो भाई थोड़ी देर में जब अल्कोहल सबके अंदर गई तो डांस तो बाहर आना ही था, और देखते ही देखते वाइब बहुत बहुत बढ़िया बन गई, आप देख ही सकते हो मतलब यू नो व्हाट आई मीन। एंड पार्टी शार्टी करके फंक्शन करके मैं तो थक गया, मेरे अंदर अल्कोहल नहीं थी तो मेरे अंदर वो जश्न आ नहीं रहा था भाई, डांस कर करके हो गया बुरा हाल। तो ये थी कोलकाता की नाइट लाइफ, अमेजिंग वाइब, अमेजिंग पीपल, मज़ा आ गया। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और ऐसी सपोर्ट देते रहो, मुझे मोटिवेट करते रहो, और नई नई टॉपिक्स पे वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय।